आज क्या बनेगा? मैं आज हम बनाएंगे मटन स्टू। मटन स्टू एक मीठी सी टेस्ट होने वाली रेसिपी है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है और थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा डालकर इसे तीखा बना दिया है। लेकिन बेसिक रेसिपी सेम है और ये एक लजीज टेस्टी रेसिपी बनकर के तैयार होती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है अगर आप मिर्ची नहीं डालेंगे। और मटन स्टू पहले पूरे पूरे परिवार के लिए ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता था, पर मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ। सिर्फ हाफ के जी मटन लिया है मैंने। मटन में बोन्स होनी चाहिए, ये ज्यादातर चेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो रहेगी, इसके ऊपर फ्लैश चिपका हुआ रहता है। इस बोन्स के ऊपर जब ये पकेगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, और ये बहुत ही स्लो कुक होता है तो इसलिए बोन्स के ऊपर पकने में ज्यादा टेस्टी अपने आप ही हो जाता है। आधे किलो मटन में हमें लगभग 300 ग्राम प्याज डालने हैं। प्याज वैसे 1.5 गुना डाले जाते हैं ओरिजिनल मटन स्टू में, पर मैंने इसे थोड़ा ट्विस्ट किया है तो इसलिए थोड़ा कम डाल रही हूँ। 100 ग्राम दही डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप दही डालें या फिर खटाई डालें। आप अमचूर भी डाल सकते हैं 1 बड़ा चम्मच, पर मैं इसमें दही डालूंगी क्योंकि मैं पानी जरा भी यूज नहीं करूंगी। और सूखे मसालों में मैंने गरम मसाला साबुत लिया है। गरम मसाला साबुत का पैकेट भी बाजार में मिल जाता है, आप उसमें से 1 बड़ा चम्मच ले सकते हैं, जिसमें काली मिर्च, तेज पत्ता, एनिस के फूल, लाल मिर्च के टुकड़े, लौंग, इलायची, छोटी वाली, बड़ी वाली, जायफल, जावित्री, सब कुछ होता है। मोटा मोटा अदरक काट लिया है 2 इंच का टुकड़ा, और मोटे मोटे लहसुन की 1 से 1.5 पोथी मैंने ले ली है। उधर सूखे मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया मसाला, 2 हरी मिर्च या 2 या 3 हरी मिर्च मैंने काट ली है, और मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, तीखी वाली देगी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और काली मिर्च पाउडर भी यूज कर रही हूँ 1 चम्मच। तो इन सबको मिलाकर तीखापन काफी हो जाएगा। बाकी मसालों में मैंने लिया है हल्दी, नमक और तेल ले रही हूँ तलने के लिए। ये मेरा तेल पहले का बचा है जो मैंने दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए, प्याज तलने के लिए इस्तेमाल किया था। अब मैंने एक बड़ा गहरा कुकर लिया है जिसका तला बहुत ही मोटा है। उस गहरे तले के कुकर को गर्म करके 2 करछी तेल डाल लिया है, और अब मैं तेल के गर्म होते ही खड़ा गरम मसाला डाल दे रही हूँ। मटन स्टू को खड़े मसाले का गोश्त भी कहते हैं, इसीलिए हम गरम मसाला खड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो पीस कर बाद में थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क सकते हैं, उससे टेस्ट में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पर खुशबू अच्छी आ जाएगी। जैसे ही मेरा साबुत गरम मसाला अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक के टुकड़ों को डाल दिया है। अदरक और लहसुन को पीसने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्लो पकेगा तो बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो जाएंगे। जब लहसुन और अदरक थोड़े सुनहरे हो गए तब मैंने प्याज डाला है। प्याज डालकर थोड़ा सा चला लेंगे। इतना ही चलाना है कि प्याज का एक कोटिंग, प्याज के ऊपर एक तेल की कोटिंग हो जाएगी, और हम प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस गुलाबी होने तक इसको पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ ढककर पका सकते हैं प्याज को, क्योंकि हम पानी नहीं डालेंगे तो हम नहीं चाहते ये मॉइस्चर छोड़ दे, हवा में मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। अब मिर्च डाल दे रहे हैं, हरी मिर्च। सिर्फ हरी मिर्च इस वक्त डालने का फायदा यह है कि तेल के अंदर हरी मिर्च का टेस्ट आ जाएगा तो वो तीखापन बन जाएगा। नमक भी डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्याज जले नहीं और जल्दी से मॉइस्चर छोड़ के गुलाबी हो जाए और मॉइस्चर इसी डिश के अंदर बना रहे, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक प्याज को भूनते रहेंगे वो भी खुला पकाकर, तो मॉइस्चर उड़ जाएगा और हमारी जो स्टू है वो सूखी सूखी सी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि स्टू सूखा हो। प्याज को चला लिया है। चला करके अब हम इसे ढक्कन से सिंपल तरीके से या किसी प्लेट से ढककर पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5-7 मिनट मैंने इसे पकाया है ढककर। अब ये प्याज काफी गुलाबी हो गया है, इससे ज्यादा लाल नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम अपना साफ धुला हुआ मटन डाल देंगे। मटन को आप सिरके के पानी से, नींबू से या आटे से रगड़कर भी धो सकते हैं। अच्छे से धो लें, कहीं पर भी गंदगी की गुंजाइश ना रह जाए।
और मटन डालने के बाद एक बार फिर से घुमाएंगे। करछी घुमाने से फायदा ये होगा कि सारा जो तेल है और प्याज का जो रस आ गया है तेल में और मिर्ची का जो रस है वो सारा मटन पर चिपक जाएगा। अब हम इसे बिना ढक्कन लगाए थोड़ी देर के लिए इसे भुनने देंगे इसी जूस के अंदर। अब देखिए मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, वाइट वाइट सा दिखने लगा है। अब बारी आती है हमारे सारे सूखे मसालों की, जिसमें धनिया, हल्दी, मिर्चें, लाल मिर्च, काली मिर्च, यही सब है। और हमने इसको डालकर भी फिर से एक मिक्स दिया है। इस मिक्स को देने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्टू का कलर कैसा होने वाला है। कुछ लोगों का स्टू कुछ मटमैले से रंग का बन जाता है, उसका कारण ये होता है कि मिर्ची वो नहीं डालते हैं। अगर आप बिना मिर्च का बना रहे हैं तो स्टू का कलर वैसा ही आएगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे तो कलर बहुत सुंदर लगेगा, मिर्ची तीखी नहीं होगी। फिर भी तीखा खाने का शौक रखते हैं तो मिर्ची तो हम डाल ही रहे हैं, आप भी मिर्ची डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये ट्विस्ट देने के बाद हमें पता लग गया है कि हमारा जो मटन है उसका कलर बहुत शानदार होने वाला है। जब हमारे मसाले थोड़े से पक गए उसके बाद हमने वो दही डाल दी है जो लगभग 100 ग्राम थी। आप दही की अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि दही पानी छोड़ेगी और ये जो पानी छूटेगा यही इसकी करी होगी और प्याज का पानी होगा, बाकी मटन जो जूसेस छोड़ेगा वो पानी होगा। उसके अलावा हम इसमें ज्यादा पानी नहीं डालने वाले हैं क्योंकि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये जल जाए, लग जाए नीचे से। तो मैं इसमें ये जो करछी है इस सिर्फ ये करछी भरकर पानी का डाल दे रही हूँ सेफ्टी के लिए। एक करछी पानी डालने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस फायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो स्टू है वो जलने से बचा रहेगा। बस एक करछी पानी डाला है, पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा दिया है और एकदम स्लो आंच पर इसको बनने के लिए रख देंगे। आंच बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी तेज नहीं होनी चाहिए। आंच सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि कुकर का जो तला है वो गर्म बना रहे। इस तरह का दिखने में सुंदर सा स्टू बनकर के तैयार हो जाने वाला है। लगभग आधा घंटा बीत चुका है और सीटी के नीचे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है। मैंने हाथ लगाकर जैसे इसे उठाया तो थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। अभी मेरे हाथ लगा के उठाने से वो प्रेशर रिलीज हो गया है, पर मैं इसे खोलूंगी नहीं और बिना खोले ही ऐसे कुकर को शेक करके मटन स्टू को हिला रही हूँ। वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई बनाएगा तो इस तरह से हिलाना मुश्किल होता है। इसलिए मटन स्टू को देग जो होती है, जो देगची बोलते हैं, जिसे जो नीचे से गोल होती है ऊपर से जिसका मुंह भीड़ा होता जाता है और गोल सा उसका मुंह होता है वो जो रहती है, ज्यादातर पहले एल्यूमिनियम की होती थी देगची, उसमें बनाया जाता था। जैसे करीम्स के आप देखेंगे तो मटन जो है वो रखा ही उसमें होता है, बनाते भी वैसे ही बर्तन में और रखते भी उसी में है, तो वैसी देग में बनाया जाता है स्टू को ओरिजिनली। तो इसे पूरे इसको बनाने में हमें लगा है शुरुआत से एंड तक 1.5 घंटा। ना कोई मैरिनेशन किया है, ना कोई मसालों में रखा है, ना ही कोई ब्राइन सॉल्यूशन में डाला है, कुछ नहीं किया है। बस सीधा प्याज भुने हैं, वो भी पूरी तरह से लाल करके जलाए वलाए नहीं है, पूरी तरह से लाल नहीं किया है, बस गुलाबी होने तक भुना है। बहुत ही फटाफट से मसाले डाले हैं और ये हमारा मटन स्टू बन करके तैयार हो गया है। आप मटन स्टू को देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, इसका फैट रिलीज हो गया है, फैट के अंदर मसालों का कलर भी बहुत अच्छे से आया है। एक पीस हमने उठाकर देखा और दबाया तो बहुत आसानी से टूट भी रहा है, बिल्कुल घुला नहीं है मगर फिर भी थोड़ा सा चंकी है। और मैं खाकर देख रही हूँ ये बहुत टेस्टी बना है, इसका स्वाद बहुत ही मुलायम सा है, मुंह में जाते ही एकदम घुल जा रहा है। इतना टेस्टी मटन स्टू अगर बनने लगे हर रोज तो बात ही क्या है। तो अगर आपको मेरी ये मटन स्टू की रेसिपी पसंद आ रही है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे वो प्लीज मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए। मैं तो अपना मटन स्टू सर्व कर रही हूँ। ये जो बाउल है इसमें 250 ग्राम्स
पका हुआ मटन स्टू आराम से आ जाता है और मैं इसे काफी ज्यादा फिल करने वाली हूँ। तो लगभग आधे किलो मटन से हमने 4 जनों के लिए भरकर स्टू बना लिया है, जो चावल के साथ आराम से खाया जा सकता है। आप इसे पराठा नान के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और ये ग्रेवी एकदम लजेदार है, एकदम क्रीमी दिख रही है, बिना किसी और बहुत कुछ हमने नहीं इसमें डाला है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें डाली हैं। हरे धनिया से गार्निश करके मैं तो इसे सर्व करके ले जा रही हूँ। आप भी बनाइए, बनाकर खाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।